हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसको आपको एंड तक देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके दोस्तों, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी हमारी फर्दर अपकमिंग वीडियोस की, और हमको मोटिवेशन मिला करेगी नई और अच्छी वीडियोस बनाने की। ओके दोस्तों, और वीडियो कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों, आज की जो एप्लीकेशन है वो आपको ईजीली आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है आपको। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। ऊपर जाना है और सर्च करना है विषम के नाम से, WISOM। ओके दोस्तों, कैमरा माइक्रोफोन एक्सेस इंडिकेटर क्या है दोस्तों। ये एप्लीकेशन बहुत अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपके मोबाइल में आप बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो दोस्तों जो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं। ओके दोस्तों, परमिशन आपको देनी पड़ती है तभी आप उन एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। और उनमें से कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो आपसे परमिशन मांगती है आपके कैमरा को एक्सेस करने की। ओके दोस्तों, चाहे वो आपका फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, और या फिर आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करने की, और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करने की। तो दोस्तों, ये आपकी प्राइवेसी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ सा हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आप उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के बाद उनकी जो परमिशन है ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी बनती हैं जिनकी परमिशन ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं और जाँच कर सकते हैं कि आपके कैमरा के साथ या फिर आपके माइक्रोफोन के साथ किसी ने कोई खिलवाड़ तो नहीं किया, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, खासकर लड़कियां, उनके साथ ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपके कैमरा या फिर आपके जो भी माइक्रोफोन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, या फिर उसको कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है आपके नज़रअंदाजी में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही खोल लेंगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद खोल लेना है, ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये चार चीज़ें शो हो रही हैं। ये आपको बिल्कुल शो नहीं होंगी, ये आपको ब्लैंक शो होगा। ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन दे देनी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ वही एप्लीकेशन, यहाँ पे सिर्फ लॉक शो होते हैं। लॉक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं अपने मोबाइल से कैमरा चालू करूँगा वो लॉक यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि मुझे पता चलता रहेगा कि कोई और भी मेरे कैमरा को एक्सेस कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाके आप सर्च कर पाएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन है, नेम से आप सर्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग है इनकी, गिवन है इंडिकेटर, इस तरीके से आप इसे ऑन कर दीजिएगा, और डिस्प्ले ओवर अदर एप्स पे आके इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसका काम क्या होगा, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा साइज़ नॉर्मल है, कैमरा शेप इस तरीके से दे रखी है, माइक्रोफोन साइज़ इस तरीके से दे रखा है। ये स्क्रीन, ये सेटिंग आपको खुद कर लेनी है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही आपका कैमरा चालू करेंगे, मैं चलिए एक बार चालू करके दिखा देता हूँ कैमरा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा जो मैंने चालू करके दिखा दिया है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब जो भी आपके मोबाइल से आपकी एक्सेस कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल से एक्सेस कर, आपके कैमरा को एक्सेस कर रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, मैंने मोबाइल का कैमरा चालू किया, अब मैं इसे हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं वापस एप्लीकेशन में जाता हूँ। एप्लीकेशन में जाऊँगा, और एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, एप्लीकेशन जैसे ही खोलूँगा मैं, तो देखिए दोस्तों मेरा कैमरा किस किसने यूज़ कर रखा है। जियो पेज देख सकते हैं दोस्तों, जियो पेज ने मेरा कैमरा एक्सेस कर रखा है। ओके दोस्तों, जिसे मैं बंद कर सकता हूँ, इसे मुझे करना है तो। ओके दोस्तों, जियो कैमरे के मैंने मेरा कैमरा एक्सेस कर रखा है, और टाइमिंग क्या है जियो पेज ने जब मेरा कैमरा एक्सेस किया था, वो है 3:41। ओके दोस्तों, यहाँ टाइम दे रखी है, और अभी मैंने कैमरा चलाया था मोबाइल का, तो उसकी भी एक्सेस इन्होंने दे रखी है। तो यानी कि आप कभी भी अपना कोई भी कैमरा वगैरह चालू करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके कैमरे को यूज़ कर रही है। हो सकता है कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो आपके कैमरे को यूज़ करे। और आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही हमने कैमरा चालू किया, वहाँ पे आपको इस तरीके से डॉट देखने को मिल जाएगा।
ओके दोस्तों, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कोई एप्लीकेशन यूज़ भी कर रही है या नहीं। ओके दोस्तों, तो काफ़ी कूल लगती है ये एप्लीकेशन, इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा। अब दोस्तों, आप व्हाट्सएप पे जाके कैमरा चालू करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगा कि व्हाट्सएप ने आपके कैमरे का यूज़ किया है। फेसबुक पे जाके आप लाइव पे जाते हैं या फिर जैसे भी जाते हैं तो ये आपको बताता रहेगा। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ये आपको बताती रहती है कि कौन आपके कैमरे पर नज़र रखे हुए है। ओके दोस्तों, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग ऐप्स के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।